भी हो सकते हैं, तो उस प्रिपरेशन मोड में आप लोग पहुंच जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोशिश कीजिए आप लोग कि हर दिन, प्रत्येक दिन कम से कम एक सेट पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसमें एक सेट क्वेश्चन पेपर आप डेली सॉल्व करें। मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो, इवनिंग में हो, तो आप इसको बरकरार रखने की कोशिश कीजिए और उसको अभी से कीजिए। और जितना अच्छे तरीके से आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, वो आपको एग्जाम के टाइम में उतना कम प्रेशर फील होने देगा, क्योंकि आपको यूज्ड टू होना बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू बी इनटू दैट पर्टिकुलर सेशन। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस में, जो भी सेक्शंस हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन, एवरी डे, एक सेट क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप एक सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे, कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए ट्रिमेंडस इफेक्ट मिलेगा आपको इससे, और आपको बहुत चीजें, आपकी जो प्रेशर है वो बहुत कम होता चला जाएगा आपसे। आप लास्ट टाइम में पैनिक नहीं करोगे और चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपकी ग्रिप में रहेंगी। इसलिए आप बिल्कुल, और ये कोशिश करो कि जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर हैं, इसको माइंड मत करो, इसको प्रॉपर तरीके से समझो इस चीज को, कि जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर हैं, केवल उन पेपर पे आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, वो बेटर होनी चाहिए। और जो भी सवाल आपके फंस रहे हैं, जो सवाल नहीं बन पा रहे, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उसको आप किरण से मत देखो, उनका किरण सॉल्यूशन बहुत बेकार है और वो आपको कभी भी अच्छा नहीं होने देगा इस चीज के लिए। तो आपको बहुत तरीके से चीजों को मूव ऑन है और कोशिश करना है कि हम बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर कर सकें। आगे बात समझ में आपको, इसको अच्छे से करो आप।